हेलो दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि करंट चेक करने वाला ये टेस्टर कैसे काम करता है? नहीं। अरे भाई ठीक है, मैं बताता हूँ। तो दोस्तों चलिए जानते हैं। तो करंट चेक करने वाला ये टेस्टर जब हम किसी स्विच बोर्ड के सॉकेट में डालते हैं, ये बॉय क्या कर रहे हैं यार तू, तो उसमें करंट आना चालू होगा तो टेस्टर के अंदर लाल या ऑरेंज कलर में लाइट जलती है। उससे हमें मालूम होता है कि इसमें करंट चालू है या नहीं। तो अब आप सोचते हैं कि इसमें लाइट कैसे जलती होगी। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले तो अपने स्विच बोर्ड के अंदर आपने टेस्टर एंटर किया। इसके बाद इस टेस्टर में ये जो स्क्रू देख रहा है उसमें आप उंगली से टच करेंगे तब वो लाइट जलेगी। अगर आप इस स्क्रू को नहीं छुएंगे तो लाइट नहीं जलेगी, क्योंकि इसमें आपका टच द्वारा अर्थिंग मिलना बंद हो जाएगा। आप जमीन पर खड़े होते हैं तो आपके बॉडी से जमीन की अर्थिंग टेस्टर के स्क्रू में जाएगी, जो नेगेटिव कहलाता है, और पॉजिटिव स्विच बोर्ड के अंदर का करंट देता है। तो उसी वजह से टेस्टर के अंदर रखी लाइट जलती हुई नजर आएगी। अब आप सोच रहे होंगे स्विच बोर्ड में तो 240 का वोट आता है तो हमें झटका क्यों नहीं लगता, है ना? तो इसका यह कारण है कि टेस्टर के अंदर जो लाइट होती है उससे पहले एक रेजिस्टर होता है जो 240 वोट को 12 वोल्ट के अंदर कन्वर्ट कर लेता है, जिससे लाइट के लिए भी और आपके लिए भी सही होता है। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। अब ये रजिस्टर क्या होता है और किससे बना होता है वो आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसके साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई जानकारी के साथ नई वीडियो आने पर आपको तुरंत मिल सके। आपका धन्यवाद।